खबर है बिहार से, जहां राजनीति में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाने के लिए अंदर ही अंदर दाव चलते रहते हैं, तो वहीं तमाम ऐसे बयान राजनीति में और हंगामा मचा देते हैं। अब ताजा बयान आया है जिसके अनुसार बिहार में जेडीयू के नेता बीजेपी के संपर्क में है। बस फिर क्या था, हो गई सियासत तेज। ये बयान दिया है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने। उन्होंने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि जेडीयू के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। नीतीश कुमार ने विपक्ष की ओर से राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार मान लिया है, इसलिए अब जेडीयू के नेता और सांसदों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। इसी के चलते तारकिशोर ने एक मीडिया चैनल से रूबरू होते हुए ये बयान देकर हलचल पैदा कर दी है। बातचीत में तारकिशोर ने साफ कहा है कि जेडीयू नेता आशंकित हैं, यही कारण है कि वो बीजेपी के कांटेक्ट में हैं। जानकारी के मुताबिक कटिहार में तारकिशोर प्रसाद ने अपने बयान में कहा कि राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार वो ये दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन होगा ये तो जनता ही तय करेगी, लेकिन नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को विपक्ष की ओर से पीएम कैंडिडेट मान लिया है और यही कारण है कि जेडीयू के नेता और सांसद भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ये तो साफ है कि वो लोग बीजेपी के कांटेक्ट में हैं, लेकिन नजर डाली जाए पहले के बयानों पर तो इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता ऐसा दावा करते रहे हैं। साल 2024 में संसदीय चुनाव है और इसलिए वो पार्टी के कांटेक्ट में हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि वो जिस नाव में सवार हैं वो डूबने वाली है, उनका भविष्य बनने वाला नहीं है। नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया है कि विपक्ष की ओर से राहुल गांधी ही पीएम कैंडिडेट होंगे। उन्होंने साल 2022 में सभी विपक्षी दल से अपनी यात्रा के दौरान मुलाकात की, लेकिन किसी ने उनको भाव नहीं दिया, किसी ने उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं किया। जो इस समय चर्चाएं चल रही हैं वो ये हैं कि कयास लगाए जा रहे हैं अब तेजस्वी यादव बिहार के नए सीएम होंगे। उधर बीजेपी जेडीयू सांसद के उनके कॉन्टैक्ट में होने की बात कर रही है। ऐसे में बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल की स्थिति बन सकती है। ये भी चर्चा चल रही है कि जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा। हालांकि जेडीयू नेता इस बात से लगातार इनकार करते नजर आए हैं। बात की जाए पहले की तो साल 2022 में नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद पर उम्मीदवारी को लेकर भी खूब चर्चाएं रही। अब ये दावा हो रहा है कि राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार मान लिया है और यही कारण है कि उनका भविष्य डगमगा रहा है। जेडीयू के नेता बीजेपी के कांटेक्ट में है। अब पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर ने जो बयान दिया है, अगर इसमें सच्चाई है तो फिर बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आने वाला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।